चार सीटें हैं तेजस्वी जी, इस्तीफा कब लेंगे? एफआईआर होने में नाम होने पर ले लिए कि उनका दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना है माननीय मुख्यमंत्री। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो संपूर्ण राज्य और राष्ट्र को खा जाता है। भारत में खुशहाली बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है। केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। मार्च कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, लेकिन उनको तो अभी जवाब देना चाहिए कि चार सीटें हैं तेजस्वी जी, इस्तीफा कब लेंगे देंगे? अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा कब लेंगे? मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले मंजू वर्मा जी का, इससे पहले आर.एन. सिंह जी का, जीतन राम मांझी जी का इस्तीफा, मेवालाल चौधरी जी का FIR होने में नाम होने पर ले लिए, ये तो आरोपित हो गए, चार्जशीट हो गया, तो इस्तीफा कब लेंगे? मुद्दा को भटकाने के लिए इस देश में जो खुशहाली आया है, विश्व की जो पांचवी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है, ये उनको दिखाई नहीं देता है। गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस्तीफा नहीं लेंगे तेजस्वी यादव का, तो आप लोग हंगामा करते रहेंगे फिर? निश्चित रूप से लोकतंत्र में हमको जो ताकत मिला है, लोकतांत्रिक तरीके से जरूर हम विरोध करेंगे। और ये शोचनीय विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि उनका दोहरा चरित्र उजागर हुआ है, कि वो जो कहते थे कि करप्शन से, क्राइम से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना है माननीय मुख्यमंत्री। जनता के मुद्दे को आप लोग सदन में नहीं उठा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर कि कोई काम नहीं होने दे रहे हैं आप जनता का। जनता का खून पसीने के कमाई को कोई लूट के अपना घर बना ले या घर भर ले तो वो जनता का काम नहीं है। कल भी हम लोगों ने भ्रष्टाचार, शिक्षक अभ्यर्थी, किसान की समस्या, नौजवान की समस्या, शिक्षकों की समस्या को उठाया है, इसलिए उन लोगों का तो होगा ही ये कहना। जवाब क्या देंगे, वो गुमराह कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तब तब भाजपा ये करती है, चार्जशीट करती है। ओ न, भारतीय जनता पार्टी आरोप देने में थी माननीय ललन बाबू के कागज पर, और शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी जो कागज दिए थे उस पर ये सब कार्रवाई हो रही है। तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे अपना जैसा लगता है, लेकिन ये पब्लिक, बिहार की 14 करोड़ जनता सब देख रही है। जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते आप लोग? जनहित की मुद्दा पर हम लोगों से ज्यादा कौन चर्चा करेगा? क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो संपूर्ण राज्य और राष्ट्र को खा जाता है। उससे आप विश्व के अर्थव्यवस्था को देख करके, महंगाई का इंडेक्स देख करके भारत का अगर करेंगे तो भारत में खुशहाली बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।